महाराष्ट्र में सियासी उलटफेर के तहत एनसीपी नेता अजीत पवार ने शिंदे सरकार के साथ मिलकर डिप्टी सीएम की शपथ ले ली। वहीं उन्होंने दावा किया कि एनसीपी उनकी है और पार्टी के विधायक और नेता सभी उनके साथ हैं। इसका जवाब देते हुए अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि जनता बताएगी पार्टी किसकी है। शरद पवार ने कहा, मैं लोगों के बीच जाऊंगा और समर्थन जुटाऊंगा। अजीत के भाजपा के साथ जाने के बयान पर उन्होंने कहा, एनसीपी की आइडियोलॉजी इस बात की इजाजत नहीं देता कि भाजपा के साथ गठबंधन किया जाए। शरद पवार ने कहा कि मैंने 6 जुलाई को सभी नेताओं की एक बैठक बुलाई थी, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होनी थी और पार्टी के भीतर कुछ बदलाव किए जाने थे, लेकिन उससे पहले ही कुछ नेताओं ने अलग रूप अपनाया। उन्होंने कहा, 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि एनसीपी खत्म हो चुकी पार्टी है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया था। मुझे खुशी है कि मेरे कुछ साथियों ने आज शपथ ली है। उनके सरकार में शामिल होने से ये स्पष्ट हो गया कि वो सभी आरोप मुक्त हो गए हैं। और ये ऐसी कई बातें मैं कह सकता हूँ, जो मेजर दो बातें उन्होंने कही और आज उसी पार्टी के जिन हमारे साथियों के खिलाफ इस तरह के इल्जाम इससे पहले लगाए थे, इन साथियों को अपने साथ लेकर मिनिस्ट्री की शपथ देने का काम किया, इसे ये बात साफ हो गई कि मोदी साहब ने जो इल्जाम लगाया था वो सच नहीं था। उन्होंने सहयोग, इन साथियों का सहयोग देने की बात तय की, इसलिए ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनके खिलाफ जो इल्जाम लगाए थे वो ठीक नहीं थे। आज जो कुछ हुआ वो एक एजेंसी जो है देश की, इन एजेंसीज का इस्तेमाल करके ये कदम उठाए गए, ऐसे मुझे लगता है। शरद पवार यहाँ पीएम मोदी के एक भाषण का जिक्र कर रहे थे, जिसमें पीएम ने एनसीपी को भ्रष्टाचारियों की पार्टी बताया था। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। बता दें, एनसीपी मुखिया ने आगे कहा कि ये कोई नई बात नहीं है। 1980 में मैं जिस पार्टी का नेतृत्व कर रहा था उसके 58 विधायक थे, बाद में सभी चले गए और केवल 6 विधायक बचे, लेकिन मैंने संख्या को मजबूत किया और जिन्होंने मुझे छोड़ा वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में हार गए। सीनियर पवार ने कहा, मुझे बहुत से लोगों के फोन आ रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य लोगों ने मुझे फोन किया है। आज जो कुछ भी हुआ मुझे उसकी चिंता नहीं है।